मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आगे खुद को आगे बढ़ाना है या फिर अपने संतान को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा से बेहतर कोई चीज़ उपाय नहीं है। सभी गार्जियन को मैं ये सलाह दूंगा, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ परेशानी झेल के भी अपने संतान को अपने पुत्र को ऊंची से ऊंची शिक्षा दें। ऐसा करें कि जो तकलीफ जो परेशानी मैं खुद जीवन में झेला हूं, मेरे पुत्र वो जीवन में परेशानी का सामना ना करें। रियल लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं निखिल। और अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के बिहारी महारानी स्थान के बगल में है। यहाँ हम लोग नेशनल कोचिंग सेंटर पर हैं और यहाँ आज बातचीत करेंगे यहाँ के जो टॉपर हैं इस संस्थान से, जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन किए हैं इस बार के 12वीं के एग्जाम में। हम वहाँ से शुरू करते हैं। हमारे साथ किट्टू मिश्रा जी हैं जो इस वर्ष की बिहार बोर्ड 12वीं के परीक्षा में 7वां स्थान इन्होंने हासिल किया है राज्य स्तर पर। किट्टू, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। कैसा महसूस कर रही हैं टॉपर बनने के बाद? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आपको अंदाज़ा था कि आप टॉपर बनने जा रही हैं? अंदाज़ा तो किसी को नहीं होता है, लेकिन पहले सोचना पड़ता है और मैं सोच कर ही यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, तैयारी की बात करें तो आपने अपनी तैयारी में किन चीज़ों को प्राथमिकताएँ दी थी? मैं तो सबसे पहले टीचर्स की गाइडलाइन में पढ़ी हूँ, उन्होंने जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे ही किया है, और साथ ही साथ मैंने सेल्फ स्टडी भी की है। आपका संकाय क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स में सबसे पसंदीदा विषय क्या है आपका? अकाउंट। तो आपको जो लोग या जो छात्र देख रहे हैं जिनके मन में ये अभिलाषा है कि वो भी बेहतर प्रदर्शन करें, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं उनको सलाह देना चाहूँगी खासकर अकाउंट में कि वो खुद से नोट्स बनाएं और उन नोट्स को बार बार रिवीजन करें। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस किया जाता है, आप कितना सही मानती हैं इसको? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी कि हाफ ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होता है हेल्पफुल होता है एमसीक्यू के लिए सबसे ज़्यादा। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को, उसके बाद अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, नीरज सर और शिवानी मिस। जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं जो अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12वीं का या 11वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश जो आप देना चाहती हूँ अपने मन से? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन्हें हार्ड वर्किंग करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग जो होता है वो सबसे लास्ट में काम आता है। तो सबसे पहले हमें स्टडी के लिए एक जगह बना लेनी चाहिए और वहाँ पे बार बार रिवीजन करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो टीचर्स होते हैं, तो उनको अच्छे टीचर अगर मिल जाते हैं तो वो वहाँ से पढ़ाई करें, अगर नहीं मिलते हैं तो आस पास के क्षेत्र में आप लोग यहाँ पहुँच ही चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो बेहतर प्रदर्शन है इसी तरह से जारी रहेगा। अब इस संस्थान से पढ़ी हुई एक और बच्ची हमारे साथ है जो आरके कॉलेज मधुबनी की छात्रा है, और इस बार का जो इंटर का परीक्षा परिणाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें इन्होंने अपने कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और लड़कियों में प्रथम स्थान हासिल किया है। और बिहारी जैसे एक सुदूरवर्ती गांव से होने के बावजूद आरके कॉलेज मधुबनी जिले का एक प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है, एक स्थापित नाम है इस जिले का, और वहां पे इतना बेहतर प्रदर्शन करना, हम बात करेंगे रोशनी से। रोशनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सफल अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे नीरज कुमार निखिल सर और शिवानी मिस। आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा BST बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज जी। बिजनेस स्टडीज थ्योरिटिकल पेपर है, तो थ्योरी सब्जेक्ट की तैयारी किस ढंग से की थी आपने? मैं सबसे पहले जो मेरी मिस पढ़ाती थी, मैं क्लास में उनका अच्छे से ध्यान करती थी, उसके बाद फिर मैं घर पे जाकर उसको दोबारा रिवीजन करती थी। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि पहली बात, पढ़ाई जीवन का मूल मंत्र है, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर व्यतीत करें और आगे बढ़े। अब हमारे साथ RNJ इंटर कॉलेज रामपुर मधवापुर के इस सेशन के इंटर परीक्षा के टॉपर आदित्य अमन जी हैं। आदित्य, लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि वे आगे अच्छा से पढ़े, पढ़ाई पर ध्यान दे और मेहनत करें, हमसे भी ज़्यादा मार्क लाए। अच्छा, सारे बच्चे यहाँ के जो हैं टॉपर ही निकल रहे हैं, तो क्या यहाँ की पढ़ाई में कुछ खास होगा, आप क्या मानते हैं इसको? जी, ज़रूर खास है, टीचर लोग अच्छे से गाइडेंस करते हैं और विद्यार्थी अगर उन पे खरा उतरते हैं तो अच्छा मार्क आता है। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सफलता का श्रेय माता पिता और नीरज कुमार निखिल सर को और शिवानी मिस को देना चाहूँगा। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश जी। एक संकाय क्या था आपका इंटर का? कॉमर्स। कॉमर्स। इंग्लिश अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा रुचि है उसमें? जी। तो जनरली हमारे यहाँ जो ग्रामीण स्तर के लोग अंग्रेजी से दूर भागते हैं, आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जी। क्या वजह है? पता नहीं, बस ऐसे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है,
सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा लगता है, डर के आगे जीत है, आप लोग भी मत डरिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे साथ, SLJ प्लस टू हाई स्कूल मधवापुर के स्कूल टॉपर, और सिर्फ स्कूल टॉपर ही नहीं, मधवापुर प्रखंड में इस वर्ष की 10वीं परीक्षा परिणाम जो घोषित हुई है उसमें सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले आदित्य पूर्वे हैं, जिन्होंने 465 अंक प्राप्त किया है। आदित्य, आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने माता पिता को और SLJ प्लस टू हाई स्कूल को देना चाहेंगे, और हमारे ये कोचिंग के नीरज कुमार निखिल सर को और अन्य मिस को देना चाहेंगे। अंकुश, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर मतलब मेहनत करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। एक और छात्र हमारे साथ हैं, आशीष, और आशीष ने इस वर्ष के 10वीं परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 449 नंबर उन्हें आए हैं। आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे आप चलकर क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? जी, हम सबसे पहले IIT में जाना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक साधारण से परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आपने जो तैयारी की उसमें सबसे अधिक सहयोग किसका रहा? सबसे पहले मेरे माता पिता का और नेशनल कोचिंग सेंटर के निखिल कुमार नीरज सर को मेरा सबसे बड़ा सहयोग रहा है। मधवापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले और भूतपूर्व महासचिव और इस इलाके के जाने माने समाजसेवी गणेश शाह जी हमारे साथ हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं आशीष। और एक पिता के लिए इससे अधिक संतुष्टि देने वाला क्षण क्या होगा, जहां उनके पुत्र को कोई उपाधि मिल रही हो, किसी सम्मान से नवाजा जा रहा हो, और उसका दीदार करने के लिए उसका पिता उस क्षण का गवाह बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गणेश जी आपको। निखिल जी, आपको भी, एम लाइव की सभी दर्शकों नमस्कार, और आपको भी मैं सराहना करता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस तरह का खबर प्रसारित करते रहते हैं। आप भी एक धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बच्चे ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, निस्संदेह आप खुश तो बहुत ज़्यादा होंगे। और जो माता पिता आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आगे खुद को आगे बढ़ाना है या फिर अपने संतान को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा से बेहतर कोई चीज़ उपाय नहीं है। शिक्षा ही जीवन में सफलता का एक कुंजी है, और अगर शिक्षा में अगर सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में भी सफल हो जाते हैं। सभी गार्जियन को मैं ये सलाह दूंगा, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ परेशानी झेल के भी अपने संतान को, अपने पुत्र को ऊंची से ऊंची शिक्षा दें उसे, चूँकि खुद जीवन में तकलीफ मुसीबत या दिक्कत का सामना कर लें, लेकिन ऐसा करें कि जो तकलीफ जो परेशानी मैं खुद जीवन में झेला हूँ, मेरे पुत्र वो जीवन में परेशानी का सामना ना करें। ये प्रत्येक गार्जियन इस तरह का सोच रखें। और आशीष के बारे में एक छोटा सा बात मैं जिक्र करना चाहूँगा, इसको लगता था कि मैं टॉपर, बिहार टॉपर में मेरा नाम होगा। जब टॉपर को बुलाया जाता था तो वैसे स्थिति में ये बार बार मुझे बोलते थे, बोलता था कि पापा टॉपर का जो कॉल आता है कि आपको कॉल आया क्या? मैं बोला नहीं। बोलता नहीं पापा, आप देखिए, आप जो है अक्सर जो है वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, आप देखिए। ये इतना उत्सुक था, इसको ये लग रहा था कि हो सकता है संभावना कि ये टॉपर का जो लिस्ट है 1 to 10 में, बिहार टॉपर में इसका नाम हो। लेकिन जो भी मिला, जो भी मार्क मिला, मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैं अपने पुत्र के साथ साथ में सभी गार्जियन को, सभी बच्चों को ये उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ, जीवन में सफलता हासिल करें और एक उच्च शिक्षा की तरफ जाएं। यही संदेश, यही शुभकामना के सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इलाके में नेशनल कोचिंग सेंटर बिहारी लगातार अच्छे प्रदर्शन दे रहा है, आप क्या ख्याल रखते हैं? मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं हो रहा है, चूँकि मैं देखते आ रहा हूँ विगत कई वर्षों से नेशनल कोचिंग सेंटर एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी अक्सर टॉप करते हैं। एक बहुत बड़ा मधवापुर के लिए, मधवापुर प्रखंड के लिए बहुत बड़ा सौगात है। मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ गार्जियन को कि अपने लोग या फिर अपने जान पहचान का लोग के यहाँ जो है ना भेज के, जहाँ बेहतर शिक्षा हो बच्चे के लिए, जो बेहतर से बेहतर शिक्षा हो वहाँ भेजें। और नेशनल कोचिंग सेंटर एक यहाँ के लिए एक बहुत शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। और सबसे बड़ी खासियत इस कोचिंग सेंटर की यह है कि यहाँ से जो बच्चे
पास आउट होते हैं, फिर वही बच्चे यहाँ पे फिर दूसरे बच्चों को, आने वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम मधु मिश्रा है। आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ? मैं यहाँ पे साइंस पढ़ाती हूँ 10th के बच्चों को। अच्छा, बच्चों को यहाँ पढ़ाने में किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है क्या? जाहिर है कि अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो टीचर्स और बच्चे मिलके कुछ एफर्ट डाल रहे होंगे। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो डेवलप करना, उसको ये यकीन दिलाना कि हाँ वो भी अच्छा कर सकते हैं। और बाकी बात, वो जो होता है वो एक पंप का काम करता है, और बाकी चीज़ें तो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेन अगर एक शब्द में देखा जाए तो हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों के अंदर उत्साह जगाएं, उनको ये यकीन दिलाएं कि वो बहुत कुछ बेहतरीन आज, कल और आने वाले भविष्य में कर सकते हैं। तो यही है हम लोगों का मेन, जो हम जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी सिंह। कॉमर्स सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाती हैं बच्चों को? क्या अप्रोच रहता है पढ़ाने में? देखिए, पढ़ाने में अप्रोच ये रहता है कि हम लोग जो है ना, टीचर होने के साथ साथ जो यहाँ के स्टूडेंट भी थे, और हम लोग जो है यानी कि नीरज सर से पढ़ाई किए हैं, और जैसा वो लोग जो हमको पढ़ाते थे ना, उसी के अनुसार हम लोग भी जो है बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये बात होता है कि जो बच्चा, जो नया बच्चा आता है इंटर में, सबसे बच्चा को ये रहता है कि उसको जो भाषा समझ में आए, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, अगर 10th में जो लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, वही जो आगे आकर जो है 12th में आते हैं, तो 10th तक जो है सर ऑलरेडी पढ़ाए रहते हैं, और उन्हीं के भाषा के अनुसार हम लोग जो है आगे यानी कि उनको पढ़ाते हैं। यही कारण है कि बच्चों को जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होती है समझने में, और आसानी पूर्वक वो अपना सब समझ कर और वर्क करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गणित विषय की शिक्षिका हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका कुमारी। यहाँ गणित विषय बच्चों को किस तरह से पढ़ाती है आप लोग? देखिए, पहले तो हम यहाँ टीचर होने से पहले एक स्टूडेंट है यहाँ के, नीरज सर जी के स्टूडेंट है, तो वो जिस तरह से हम लोग को पढ़ाए थे उसी तरह से हम लोग भी कोशिश करते हैं जो हाँ बच्चों को पढ़ाए, उसी तरह से हम लोग भी समझाते हैं। जैसे वो गाइड किए तो वैसे हम लोग भी गाइड करते बच्चे को, इसी तरह से मतलब पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए, इजी से इजी मतलब भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के माइंड तक जा सके। तो इसी प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं जो आगे बढ़े बच्चा। और अब हमारे साथ इस बार इंटर की जो टॉपर बनी है किट्टू मिश्रा जी, यहाँ इस संस्थान में वो गणित विषय पढ़ाती हैं, तो यहाँ की बच्ची यहाँ की शिक्षक भी है, अपने आप में एक अनूठा यह संयोग है। किट्टू, यहाँ बच्चों को किस तरह से पढ़ाती हैं आप? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मैं एक स्टूडेंट के साथ यहाँ टीचर हूँ, तो जिस तरह से मेरे सर पढ़ाए हैं, जिस तरह से मेरी मिस पढ़ाई है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी उसी तरह से पढ़ाऊँ, क्योंकि वही लैंग्वेज जो है यहाँ के बच्चों को समझ आती है। लगातार यहाँ के बच्चे गणित में 96-97 नंबर उठा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यह राज है कि मैं जितना मेहनत करती हूँ उससे ज़्यादा मेरे स्टूडेंट मेहनत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस तरह से देखा आपने यहाँ अभी हमारी बातचीत, यहाँ इस संस्थान के जो टॉपर बच्चे हैं उन लोगों से हो रही थी, और हमारी उम्मीदें, हमारी आकांक्षाएं, हमारी शुभकामनाएं यहाँ इस संस्थान के बच्चों के प्रति है कि वो ऐसे ही नित्य नए कीर्तिमान रचते रहे, हर साल इनका प्रदर्शन बेहतर होता रहे। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।